कराची वाले चैन की नींद सो रहे थे, अम के महाफिज दुश्मनों को मौत की नींद सुला रहे थे। कल रात दहशत गर्दों पर क्या कहर बरसाया, रेंजर्स और सीटीडी हुकाम ने सब बता दिया। ख्वाजा इजहार पर हमले समेत कई दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस, अंसार शरिया के सरगना अब्दुल्ला हाशमी समेत 8 दहशत गर्द हलाक। तंजीम के 4 अरकान दानिश, जुनेद, सरोश और मुजम्मिल ताहाल मफरूर। हसास तंसीबात, सिक्योरिटी इदारे आला अफसरान हदफ पर थे, दहशत गर्दों के वालदैन को भी नहीं पता था औलाद क्या गुल खिला रही है। रेंजर्स के कर्नल फैसल ने वाजे कर दिया, किसी तालीमी इदारे में अंसार और शरिया के सेल के शवाहिद नहीं मिले। बच्चों का निशान क्या, बीबी का निशान क्या, शहीदों का निशान क्या, मेरा निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या। कप्तान के घर में जिए भुट्टो और तीर के नारे, NA4 जिमनी इलेक्शन जीतने के जतन। पेशावर में बिलावल का धुआंधार खिताब, बोले इमरान खान एम्पायर की उंगली देखते देखते बिनाई खो चुके, मियां साहब नाअहल होने तक कुर्सी से चिमटे रहे। जियाले लीडर के एक तीर से दो निशाने, नून लीग और PTI मफाद की सियासत कर रही है, सियासत को गंदा कर रही है। दोनों नाम निहाद बड़ी पार्टियां जो वफाक और सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, आमरों की गोद में पली और फरी हैं, ये राइटर्स पार्टियां हैं और इनके लीडर्स नहीं चाहते कि इस मुल्क को एक तरह की पसंद मुल्क बनाया जाए। क्या सिर्फ नवाज शरीफ को हटाने के लिए पैनामा था? पैनामा में जिन जिन के नाम है सब पर कार्रवाई की जाए। असवंद यार वली का पेशावर में जलसे से दबंग खिताब, बोले इमरान का खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लेना देना नहीं। इमरान खान का मकसद इस सूबे से नहीं, इमरान खान का मकसद इस्लामाबाद से। हमारे हुक्मरानों की मिसाल उस मुर्गी की तरह है जो दाना आपके घर में चुगती है और अंडा किसी और के घर में देती है। लाहौर के वहदत रोड ग्राउंड पर जमात इस्लामी का अजमे नौ कन्वेंशन, सिराजुल हक की मियां साहब को ललकार, बोले आज जमहूरियत भी अरगमाल है, सियासत भी अरगमाल, करप्शन के खात्मे तक नवाज और जरदारी जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। इस्लामी निजाम को पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। हमारी लड़ाई होगी करप्ट लोगों के खिलाफ, हमारी लड़ाई होगी जालिमों के खिलाफ, लड़ाई होगी इस्तेहसाली और तबकाती निजाम मुसल्लत करने वालों के खिलाफ। बड्डे साईं के हलके में सुनामी का पड़ाव, सेवन में तहरीक इंसाफ का पंडाल तैयार, लाल बाग में मुंतजमीन का 20,000 कुर्सियां लगाने का दावा। जलसगा के अतराफ से खारदार तारों से बाउंड्री बना दी गई, सिक्योरिटी इंतजामात सख्त, पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, इमरान खान सेवन पहुंच गए। अरकान असेंबली का वफादारी तब्दील करना नाकाबिले कबूल है, अगर किसी रुकन को वफादारी तब्दील करने के लिए मजबूर किया गया तो इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सेनेट से इस्तीफा देंगे। फारूक सत्तार ने धमकी दे डाली, बोले विफाक से हमें उठाकर फेंकने की तैयारी की जा रही है, खदशा है सेनेट इलेक्शन में नीलाम घर सजेगा, वफादारियाँ बेचने वाले मंडी में अपनी कीमत लगाएंगे। हमारा ये फैसला है कि एन मास एन ब्लॉक हम इज्तमाई तौर पर सेनेट से, कौमी असेंबली से और सूबाई असेंबली से हम मुस्तफी हो जाएंगे, हम इस्तीफे दे देंगे। फंड्स की कमी का रोना, सिंध हुकूमत ने नाबीना अफराद का माहाना फंड बंद कर दिया, माहाना 1,000 रुपए मिलते थे अब वो भी नहीं दिए जा रहे, बिनाई से महरूम सलीम अख्तर परेशान। ना होने के बराबर हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं, अब तो कम से कम नहीं तो 3,000 रुपए तो किए जाएं महीने के, और वो भी हर महीने दिए जाएं, ये 6 महीने के बाद देते हैं, 6 महीने भी अब तो 1.5 महीना ओवर हो गया, 6 महीने का वो 6,000 रुपए भी नहीं मिले। ज़कात का पैसा मुस्तहकीन को नहीं मिलता, मुशीरों वजीरों पर खर्च हो रहा है, फंक्शनल लीग की नुसरत सहर अब्बासी भड़क उठी, बोली काली भेड़ों का चेहरा सामने लाएंगे।
खुर्रम शेर जमान ने मामला असेंबली में उठाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, हुकूमत की इससे बड़ी नाकामी क्या होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियां जारी। शहरी आबादी पर मुसलसल गोलाबारी और फायरिंग। चरीकोट के मकीन वाहिद जरिया आमदन खेती बाड़ी से भी महरूम। भारतीय गोलाबारी से धान की फसल जल गई। गुजरावाला के इलाके रहवाली में आमल की पिटाई, 10 लाख रुपए दिए, कारोबार फिर भी नहीं चला। ताजर ने मोहल्ले में घसीट कर आमल की धुनाई कर दी। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी का सीजन साथ लाई। मरी और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश और झालाबारी। हसीन वादी में ठंड बढ़ने लगी। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स का बड़ा कारनामा। एशिया मसल मीनिया के 2 टाइटल जीत लिए। औसाफ याकूब ने क्लासिक फिजिक ओवर और ओवरऑल बॉडी में बॉडी बिल्डिंग में चीन भारत समेत कई ममालिक के खिलाड़ियों को पिछाड़ दिया। पाकिस्तान की एशिया कप में 3री पोजीशन। ग्रीन शर्ट्स ने कोरिया को 3 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। मोहम्मद एजाज ने हैट्रिक की। Honest, the player acted unbelievably well. He did everything required of him. फिक्सिंग ऑफर का बरवक्त बताकर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर की सरफराज अहमद को थपकी। बोले, फिक्सिंग का नया मामला हैरान कुन है, खिलाड़ी ने कवानीन पर अमल किया। PSL के 3रे एडिशन को करप्शन से पाक रखने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त इकदाम का फैसला। ड्राफ्टिंग से पहले नया जाब्ता इखलाक फ्रेंचाइज के हवाले किया जाएगा। इंतजामिया खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ का डेटा फराहम करने की पाबंद होगी। खिलाड़ियों तक आम अफराद की रसाई खत्म कर दी जाएगी। बिग शॉट, हियर ही गोस। और वनडे सीरीज मिशन व्हाइट वॉश में तब्दील। शाहीन सीरीज 5-0 से अपने नाम करने के लिए कल मैदान में उतरेंगे। टीम में 1-2 तब्दीलियां यकीनी। कप्तान सरफराज जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए पुरअज़्म।